भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर को आखिरकार उनके परिवार ने भी आखिरी अलविदा कह ही दिया। लता दीदी की अस्थियों को उनके परिवार ने नासिक के पवित्र रामकुंड में विसर्जित कर दिया है। रामकुंड गोदावरी नदी के किनारे है। लता मंगेशकर जी के अस्थि विसर्जन में लता मंगेशकर के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर के साथ कुछ परिवार वाले शामिल हुए थे। इसके अलावा नासिक में रहने वाले कुछ आम लोग भी गोदा घाट पर लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। पंडितों ने लता दीदी के परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक छोटी सी प्रार्थना सभा रखी थी और इसके बाद लता मंगेशकर जी की अस्थियां नासिक के पवित्र रामकुंड में विसर्जित कर दी गई और परिवार ने उन्हें आखिरी विदाई आखिरकार दे ही दी। लता मंगेशकर जी की बहन उषा मंगेशकर ने बताया कि वो मेरी बहन नहीं बल्कि माँ थी। सभी रीतियों को मुहूर्त के समय में अच्छे से पूरा कर लिया गया है। लता मंगेशकर जी के अस्थि विसर्जन की विधि को नासिक पुरोहित संघ के प्रेसिडेंट सतीश शुक्ला ने पूरा किया। इसमें कुछ लोकल राजनेताओं ने भी हिस्सा लिया था। इस विधि के लिए शहर के प्रशासन ने जरूरी तैयारियां भी की थी। विधि होने की जगह पर एक छोटा प्लेटफॉर्म और पंडाल भी लगाया गया। एरिया में पुलिस को तैनात किया गया जिसकी वजह से ज्यादा भीड़ ना बढ़े। इसके साथ ही ट्रैफिक को भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। 6 फरवरी को लता मंगेशकर जी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उनका अंतिम संस्कार उसी शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ। लता जी के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान, आमिर खान समेत कई बड़े लोगों ने शिरकत की थी। लता जी का पहला विसर्जन नासिक के रामकुंड में किया गया और बाकी दो को हरिद्वार और वाराणसी में प्रवाहित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि वाराणसी में होने वाले विसर्जन कार्यक्रम में यूपी के सीएम आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि विसर्जन की सारी विधियां पूरी होने के बाद लता जी के घर में एक प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें सभी बॉलीवुड के कलाकार और कई राजनेताओं के पहुँचने की उम्मीद है।